माँ सरस्वती का चित्र है। हाँ। तो यहाँ पर सिर्फ लता जी के चित्र, पीछे बैकग्राउंड में लता जी के साथ दूसरे लोग है, है ना, दूसरे लोग है रहेंगे। हम कभी नहीं मान सकते कि वो इस दुनिया से नहीं 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 सर, तो उनका आवाज से तो हमारा उनकी आवाज से हम लोग याद रहेगा, सारी दुनिया के बीच में रहेंगे। अच्छा, बच्ची सचिन तेंदुलकर संगे खुश हूँ। यहाँ पर जो भी आप पेंटिंग देख रहे हैं, भाई साहब भी हमारे माँ सरस्वती फोटो बनाया है। हाँ, माँ सरस्वती। नमस्कार, আমি আজকে এসেছি কলকাতার হচিমিন সরণিতে যামিনী রায় আর্ট গ্যালারিতে, যেখানে হচ্ছে লতাদির উপরে পেন্টিং এক্সিবিশন। যে ভদ্রলোক এসছেন উনি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর থেকে এসছেন, এটা নিয়ে এনার 40তম এক্সিবিশন হচ্ছে। সেই এক্সিবিশনের পেন্টার তার সঙ্গে আলাপ করছি, কথা বলছি, পেন্টিং দেখা দেখছি দেখাচ্ছি আপনাদের, আপনাদের খুব ভালো লাগছে। আমার চারিদিকে সমস্ত পেন্টিংগুলো সুচ্ছ আছে। সুর সামগ্রী ভারতরত্ন মোস্ট রেসপেক্টেড লতা মঙ্গেশকরজি, চিত্রলেখা শ্রী রাম কৃপাল নামদেব আর্টিস্ট, সোলো পেন্টিং এক্সিবিশন বাই চল রা হ্যাঁ দিস বিল্ডিং পর। কলকাতা হচিমিন সরণিতে পেন্টিং এক্সিবিশন চলছে লতাদির ওপরে, সেটাই আমরা এসছি কাছে কভার করতে। এই বিল্ডিংয়ে থার্ড ফ্লোরে হচ্ছে এখান থেকে এন্ট্রান্স। যামিনী রায় আর্ট গ্যালারি কলকাতা হচিমিন সরণিতে লতাদির উপর এক্সিবিশন হচ্ছে, চলছে 23 থেকে চলবে 26 পর্যন্ত। সেই এক্সিবিশন কভার করতে এসেছি, এটা হচ্ছে এন্ট্রান্স। থার্ড ফ্লোরে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিল্ডিংয়ে। बोलिए। मैं राम कृपाल नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। ओके। और मुख्यतः लता दीदी पर मैं पेंटिंग बनाता हूँ। ओके। कलाकृतियाँ बनाता हूँ। अच्छा। और हमारी इस समय 23 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक हमारी 14वीं एकल चित्रकला प्रदर्शनी, जो कि जामिनी राय आर्ट गैलरी रविन्द्रनाथ टैगोर सेंटर में चल रही है। और यह प्रदर्शनी, इस प्रदर्शनी में हमने लगभग 50 चित्र लगाए हैं। okay. इसमें से 40 चित्र जो है सुर सम्राज्ञी भारत रत्न परम आदरणीय लता मंगेशकर जी पर केंद्रित हैं। अच्छा। और यह कला श्रृंखला हमारी चित्रलतिका के नाम से चल रही है। अच्छा। जो इसके पहले हमारी मुंबई में थी। अच्छा। और यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। अच्छा, अच्छा। यहाँ पर हम कुछ ऐसे चित्रों के बारे में आपको बताना चाहेंगे जिनके में कुछ विविधता है और अद्भुत चित्र हैं देखने में लगते हैं। अच्छा। जैसे एक पेंटिंग हमने बनाई है दीदी की, जिसमें 930 चेहरे हैं। अच्छा। उस पेंटिंग की विशेषता यह है कि 930 चेहरे तो हैं ही, इसमें 299 चेहरे से दीदी के बनाए हमने। अच्छा। और इसमें हिंदी में लता लिखा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ लता दीदी। 14 से 26 चेहरे बनाए गए हैं। अच्छा। और यहाँ पे देखें तानपुरा में हाथों में चेहरे पे, इसमें मेरी माँ सरस्वती के चित्र है। हाँ। तो यहाँ पर सिर्फ लता जी के चेहरे, पीछे बैकग्राउंड में लता जी के साथ दूसरे लोग है, है ना, दूसरे लोग हैं जो लता दी के साथ कुछ भी कार्यक्रम या पेंटिंग ही है। ये सब पूरी पेंटिंग है, पूरी ऑयल पेंटिंग है। अच्छा अच्छा। बहुत खटनी है इसमें, पूरा पेंटिंग का। कितना दिन लगे फोटो बनाने के लिए? पेंटिंग बनाने में लगभग 6 महीने का समय। 6 महीने एट ए स्टेज। हाँ, इसके बीच में कुछ काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लगातार काम नहीं करते, क्योंकि हमारी क्लास चलती है, बच्चों को पेंटिंग वो तो अलग है। हाँ, अच्छा। तो जो समय हमें मिलता है। तो लता दी सब फोटो देखा है? जितना देखो देखती रही होगी कुछ कुछ उनके, मतलब किसी न किसी बात। पूरा फोटो कंप्लीट कब हुआ? जितना लगातार चलता रहता है, हमें सारी पेंटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। 2013 से काम कर रहे हैं। अच्छा, 2013 से। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने तो लास्ट ईयर की, एक साल तो हुआ उनका। हाँ, तो जिस समय उनकी हमारी पिछले साल हमारी फरवरी में एग्जीबिशन थी। तो वो हमारी 5 फरवरी को बसंत पंचमी, तो उस दिन हमारी कला चित्रलतिका प्रदर्शनी का शुभारंभ था। अच्छा। और उस समय 5 फरवरी
फरवरी को, दो छः फरवरी को लता दीदी हमारे बीच से नहीं रहे। हाँ हाँ। और इसका मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। सब कभी को सौभाग्य से कितना अच्छा रहा। हाँ। मतलब अपन इसको अच्छा भी कह सकते हैं क्योंकि जिस दिन माँ सरस्वती की पूजन होती है वो खुद साक्षात माँ सरस्वती से अपना पूजन कराने के बाद दूसरे दिन 6 तारीख को उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया। बोलिए। हाँ लता, आप बोलते हैं कि लता दीदी के क्या अच्छा है, ऐसा ऐसी कौन सी चीज़ है जो अच्छी न लगती हो सब? स्पेशली कौन चीज़ है? हाँ, सबका तो स्पेशल उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता। अच्छा। है कितनी महान। कैसे मिलने के बाद मालूम हुआ? हाँ, मिलने के बाद वो पहले भी वो हर समय सहजता से उनके गाने। अच्छा। गाने इतने उनका एक स्पेशल कुछ गाना आपको हर टाइम गुनगुनाता है? अब गाने तो सारे तो उसका को जो गाना है आपको छू गया, नाम गुम जाएगा चेहरा, वो तो स्पेशल गाना है। अच्छा अच्छा। आवाज पहचान है, अच्छा, करेंगे इस तरह से और भी। अच्छा, कई गाने हैं। अच्छा, बहुत सारी फिल्मों के गाने। अच्छा, हैं। अच्छा, और जैसे उनका भजन है, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, अच्छा, तो पीत तोड़ कृष्णा कौन। अच्छा, संग जोड़ू रे, मतलब ऐसे ना जाने कितने गाने हैं उनके। अच्छा, जो हृदय को स्पर्श करते हैं। बोले। हाँ, ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं सामने, इस पेंटिंग की विशेषता इसमें कि 930 चेहरे है और यहाँ पे हिंदी में लता लिखा हुआ है। अच्छा, जहाँ पर लता लिखा है वहाँ पर सिर्फ लता लिखा है, इसमें लता जी के चेहरे दो स्वामी भी और एक बड़ा चित्र मिला के लता दीदी के। अच्छा। 299 एक माँ सरस्वती का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, 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 हाँ। बाकी बैकग्राउंड में इसमें 630 चेहरे जो विश्व भर के जो प्रसिद्धतम महिला है जिन्होंने बहुत समानता हासिल की है। अच्छा। चित्र बनाए हैं लता दीदी का हस्ताक्षर है, 29 जून 2014 को उन्होंने इस पेंटिंग में हस्ताक्षर, उनका हस्ताक्षर है। ओके, थैंक यू। और इस पेंटिंग में देखेंगे आपकी चार हजार जैसे बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे चेहरे बनाए गए। इसमें जो छोटे चेहरे उनके 4,359 से, मतलब इस पेंटिंग के पूरे जितने भी चेहरे उसमें 4,359 कैसे बनाए? बेसिक पेंटिंग किया मैंने, कुछ छोटे छोटे चेहरे पूरे ब्रश का काम है, पूरे बारीक पतले वाले ब्रश का काम है। अच्छा, ऑयल पेंटिंग है। यहाँ माँ सरस्वती का चित्र बनाया दिखा है। हाँ, दिखा है। और यहाँ पे सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर लिखा है, यहाँ पे लता दीदी के सिग्नेचर है। सिग्नेचर नहीं लिखा है, लता सुर सामग्री लता मंगेशकर। हाँ, ओके। इस फोटो के बारे में? पेंटिंग दीदी के युवा अवस्था की चित्र हमने बनाया है दीदी का। अच्छा। और इस पेंटिंग में आप देखेंगे फूल हैं, पत्तियां हैं, है ना। यहाँ पे देखिए कमल का फूल बना हुआ है, एक वीणा बनाई है। कमल का फूल माँ सरस्वती का आसन के रूप में है और वीणा माँ सरस्वती के प्रतीक के रूप में है ना। यहाँ पे और भी मोर पर जैसे हमें संगीत की प्रेरणा मिलती है, गाने की प्रेरणा मिलती है। हाँ, हाँ, हाँ। गाने पक्षियों पर गाने बने हैं, पक्षियों पर गीत। ठीक ठीक ठीक। और जिसमें वाद्य भी बनाए हैं हमने। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे चित्रलता का प्रदर्शनी का शुभारम्भ 2017 में सबसे पहले हमारे जो मेरा शहर है वहाँ जबलपुर में से शुरू हुआ था। अच्छा। पहली प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई थी, दूसरी हमारी मुंबई की फूला देशपांडे आर्ट गैलरी में लगी। अच्छा। और इसके बाद ऐसे लगती गई जो जबलपुर पर फूला देशपांडे से होती चली गई। अच्छा। अभी अप्रैल में हमने यानी सितम्बर में पिछले साल सितम्बर में हमने ललित कला अकादमी दिल्ली में लगाई थी। अच्छा। और उसके बाद अभी फूला देशपांडे आर्ट गैलरी जनवरी। अच्छा। और अप्रैल 2022 में हमने जहांगीर आर्ट गैलरी जो विश्व प्रसिद्ध आर्ट गैलरी है दिल्ली में। अच्छा। मुंबई में। अच्छा, 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 था। अच्छा। और अभी हमारी इसके बाद कोलकाता नेक्स्ट कुछ प्लानिंग नहीं है? अभी इसकी प्लानिंग नहीं है। 14th है। हाँ। तो क्या रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? अच्छा है, ठीक है। नहीं, आपका पर्पस क्या बंदे? पेंटिंग तो फॉर डिस्प्ले योर मनी, आई मीन योर वर्क। पर्पस ये है हाउ डोंट माइंड आई जस्ट आई एम आस्किंग वन थिंग हाउ टू बियर दिस थिंग बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव इज सो हाउ डू एक्सप्लेन मतलब कैसे आप इसको तो बहुत खर्चा होता है बनाने के लिए होता है तो इसका तो कुछ कमर्शियल पर्पस तो रहते हैं। हाँ, कमर्शियल तो फायदा कम होता है। हाँ हाँ। लेकिन हमारी क्या बच्चों हाउ डू मैनेज दिस इज ऑलरेडी एक्सपेंसिव क्लास चलती है। अच्छा। ड्राइंग क्लास चलती है, बच्चों को सिखाते हैं तो उससे जो हमें आमदनी होती है बिकॉज योर इतना भाड़ा लेना है इसको आना जाना वहीं से उसी क्लास से आमदनी होती है। अब अकेले खुद अकेले ही कुछ नहीं आपका बैकग्राउंड में हमारा हम अकेले अकेले हैं बेटे हैं वाह और पत्नी। अच्छा अच्छा ठीक है जी। ओके पेंटिंग देखते हो अच्छे होना पेंटिंग दर्ज मैंने तो सूर्य वादे कर
দেখতে পাচ্ছি লতাজির সঙ্গে মোহাম্মদ রবি বসে আছেন, একটা ফটো, দারুণ ফটো, মানে মনে হচ্ছে না ফটো ইমেজ, ইটস নট এ পেন্টিং, ইটস পেন্টিং। হাতের কাজ ওনার। পাচ্ছি সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে, খুব সুন্দর পেন্টিং। পেন্টিং এ ভি আপকা হ্যাঁ, আপনি গণেশ ভি বানাতে হয়, সব সব কুছ বানাতে হয়। আচ্ছা, তো কেসে কলকাতা মে কানেক্ট হুয়া? কলকাতা ভি আপ গণেশ জি পেন্টিং দেখে কলকাতা কা বাতা দুঙ্গা মে আপকো। হামারে এক ফেসবুক কে মাধ্যম সে স্নেহা সি চ্যাটার্জি হ্যায়, আচ্ছা, জো লতা দিদি পর পুস্তকিয়া প্রকাশিত করতে হ্যায়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এক পুস্তক প্রকাশিত কি হ্যায় উনহে লতা গীত কো, হালাকি ইসকি বহুত সারে সংস্করণ হ্যায় উনকে প্রকাশিত হো চুকে, লেকিন এক এক সংস্করণ মে প্রকাশিত কি হ্যায়, উস সংস্করণ মে হ্যায় কি মুখ পৃষ্ঠ মে হামারি এক পেন্টিং কা ফোটো আয়া। আচ্ছা, তো উনহোনে পহলে হামসে পুছা থা, উসকে বাদ উনহোনে ফোটো মে প্রিন্ট কি প্রিন্ট করওয়ায়া হ্যায়। আচ্ছা, অর ইস মাধ্যম সে हमारा परिचय हुआ। अच्छा, और हमने उनसे बोला कि हमने फोन पे बात की उनसे, तो उनसे हमने बोला कि हमें कोलकाता में अपनी लता दीदी पर एग्जीबिशन लगानी है। अच्छा, तो उन्होंने हमारे हमें सुदीप्ता चंद्र जी से हमारे परिचय करवाया। अच्छा, सुदीप्ता चंद्र जी ने यहाँ पे हमारी गैलरी बुकिंग करने का तरीका बताया उन्हें। अच्छा, हमने यहाँ गैलरी बुक की, सुदीप्ता चंद्र जी ने हमारी काफी मदद की। अच्छा, और उन्होंने गैलरी बुक करने का तरीका भी बताया, तो हमने यहाँ गैलरी बुक की, और यहाँ 22 फरवरी से हमारी 26 फरवरी लगने वाली थी। अच्छा, लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेन से सामान आया था वो हमें समय पर नहीं मिल पाया। अच्छा, इस कारण से हमें 23 फरवरी से लगे, 26 तारीख से। प्रेस वो सब कवर तो कर लिया ना जी? प्रेस में सब कवरेज हो गया, परिचित हो गया। ठीक, थैंक यू। और ये पेंटिंग 2016 में लेने का मुताबिक शामिल की गई है। और फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि आप कहाँ से आए, मैंने कहा जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ, और बहुत अच्छा लगा, वहाँ नाश्ता किया, मतलब उनके यहाँ जो भी मुझे मिला मैंने प्रसाद समझ के सब कुछ। पोर्ट्रेट अच्छे ফটো সমস্ত কিছু পুরো একদম দেখতে পাচ্ছেন, সমস্ত লতাদির সমস্ত পেন্টিং উনি করেছেন, সেগুলো আপনারা দেখাচ্ছি। हाँ, लता दीदी पर बहुत सारे मुझे उनसे प्रश्न करते हैं कि आप लता दीदी पर ही क्यों चित्र बनाते हैं। अच्छा, तो मेरा तो साधारण सा जवाब है कि भक्त अपने भगवान के प्रति ही समर्पित होता है। अच्छा, अच्छा। हालांकि मैं बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत छोटा हूँ, जैसे कि तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा, उसी ने पूरा भगवान राम पर समर्पित था। इसी तरह से दीदी मेरे लिए भगवान साक्षात। उनका क्यों अच्छा लगता है, लता जी क्यों अच्छा लगता है? मान लीजिए सबको तो लता जी जानते हैं, लेकिन आपको क्यों अच्छा लगता है स्पेशली? पहली चीज तो लता तो ये सारी दुनिया जानती है कि उनके गाने तो ऐसे हैं, सारे के सारे गाने हृदय को स्पर्श करते, चाहे वो भजन हो, चाहे फिल्मी गीत हो, चाहे कुछ भी हो, सारे गाने उनके हृदय को स्पर्श करते हुए चलते हैं, मन को मोह लेते हैं, ऐसे गाने हैं उनके। अच्छा, और दीदी को मैं साक्षात भगवान की तरह मानता हूँ, मां सरस्वती की तरह मानता हूँ। अच्छा, वहाँ मुझे 29 जून 2014 को उनसे के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। अच्छा, जो कि अच्छा लगा, करीब 15 मिनट। कब गए थे मिलने के लिए? 2014 में मिले थे उसको। तो उन्होंने मुझे, मैं एक पेंटिंग ले गया था जो कि 2016 में लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल की गई है। आपका? अच्छा, एक फोटो उसी। अच्छा, वो पेंटिंग ले गया था मैं। अच्छा, उस पेंटिंग उन्होंने अपने हस्ताक्षर से उस कलाकृति को अलंकृत किया। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए, मैंने कहा मैं जबलपुर से हूँ। उन्होंने बोला, अच्छा, मतलब इतनी महान से भी महान गायिका और वो होने के साक्षात माँ सरस्वती होने के बावजूद भी उनमें इतनी सहजता, इतनी सरलता थी कि उनकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं, मेरे लिए तो वो अविस्मरणीय क्षण था। मुश्किल से 15 मिनट रुका वहाँ पे, वहाँ पे मुझे कुछ
उनके यहाँ से नाश्ता वगैरह दिया गया, अच्छा चाय वगैरह दी, तो मैंने सब खाया, क्योंकि मैंने सोचा कि प्रसाद है दोबारा मौका। तो उसका फोटो है, हम उनसे मिले थे, उसका उनका फोटो है मेरे साथ में, देखते हैं, एक कैमरा ले गया था छोटा अपने साथ में। अच्छा, उनके पीए महेश राठौड़ जी ने वो कैमरे से फोटो खींची थी उनके, दे दी आपको फोटो, एक मिनट। जो भी आप पेंटिंग देख रहे हैं भाई साहब, भी हमारे सरस्वती फोटो बनाया है, हाँ माँ सरस्वती का चित्र, और आप देखेंगे आप फूल ही फूल बनाए, कमल के फूल बनाए, कमल के फूल अधिकतर बनाए। यहाँ पे हमने सिर्फ फूलों का श्रृंगार माता के किया है, अच्छा हमने पूरे फूलों का श्रृंगार किया है माँ के। ठीक, चलिए, और बोलिए, अच्छा तो आप उनको कैसे कोऑपरेट करते हैं इस एग्जीबिशन, से पूछते रहते हैं अच्छा, कैसा बना है, कहाँ हाँ, गलती है, अच्छा अच्छा तो मैं वो गलतियाँ बताती हूँ। अच्छा, आपका आता है, डोंट माइंड, आता नहीं पर मेरे से गलतियाँ पूछते हैं। अच्छा, आप देख, मतलब क्रिटिसाइज जो होता है कोई भी कर सकते हैं, जो हम लोग जो मूवी देखते हैं ना, बताते हैं भाई इस मूवी में ऐसा ठीक नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे ही उनको हेल्प करते हैं। आपको ऐसे कैसे लगता है उनको ऐसे काम करने के लिए? वैसे अच्छा लगता है, कभी कभी बोलती रहती हूँ ज़्यादा इसको नहीं लगे, हाँ खर्चा है बहुत, आना जाना खाना इसका तो कुछ ना, लेकिन काम तो अच्छा ही है, लेकिन ठीक है, थैंक यू। যদি সম্ভব হয় আপনারা দেখলেন কেমন লাগলো? মানে আমি কালকে ইনকোডা টিভিতে আসছিলাম, মেট্রোতে দেখছিলাম, তারপরে একটা ব্লগ চ্যানেল আছে আমার ইউটিউবে, তো সেটা দিয়ে ভাবলাম একটু দেখি, কভার করি, কেমন লাগলো? আজ পর্যন্ত কোন লতা দির উপর তো আমার স্কোপ হয়নি দেখার এক্সিবিশন, মানে এত ভার্সেটাইল কাজ, মানে মানে এই ধরনের পেন্টিং আমার চোখে তো আমি পেন্টিং খুব দেখি, তাও যদি মনে মনে করা এরকম পেন্টিং দেখেছি আমি, সো মানে সো মানে কী বলবো, এত ডিটেল, হ্যাঁ একটা কাজ বলছি উনি ছমাস ধরে করেছেন, মানে এটাই সবচেয়ে তার, এবং এর কোনো কমার্শিয়াল আউটপুট নেই, আমি সে জিজ্ঞেস করলাম, তারপরে এই নিয়ে 14খানা অলরেডি এক্সিবিশন হচ্ছে অল ওভার ইন্ডিয়াতে, এই নিয়ে 14খানা, 14 নম্বর ম্যাক্সিমাম দিল্লি মুম্বাইতে হয়েছে, জবলপুর হয়েছে, আর কলকাতা ফার্স্ট টাইম, হ্যাঁ সেম 14খানা, নতাদিও ছিল এর আগের ওনার যখন ছিলেন, বুঝলেন ওনার সিগনেচার আছে সব কিছু করে, খুব ভালো, এই নিয়ে জিজ্ঞেস করলো কেমন লাগলো, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বিশাল বড় পেন্টিং এক্সিবিশন লতাদির উপরে,